हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं मुंबई के सांता क्रूज इलाके में और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी महान हस्ती का घर जिन्होंने 300 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया है और अपना लोहा मनवाया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के महान कलाकार, हास्य अभिनेता कादर खान जी का। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कादर खान जी का मुंबई में घर कहां पर है और अभी उनके घर में कौन कौन रहता है। दोस्तों, आपको तो पता होगा कि कादर खान इस समय इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार में कौन कौन है और कादर खान जी किस घर में रहा करते थे और अभी उस घर में कौन कौन रहता है, आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, कादर खान जी का जन्म ना 22 अक्टूबर 1937 को हुआ था और उनकी सबसे पहली मूवी जो थी ना, वो थी दाग, जो 1973 में आई थी। इस मूवी को यहाँ पर यश चोपड़ा जी ने प्रोड्यूस किया था, लेकिन इसमें जो कलाकार हैं वो राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और यहाँ तक कि कादर खान जी और राखी गुलजार समेत अन्य लोग थे और वो फिल्म ना काफ़ी सुपर डुपर हिट भी हुई थी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं का घर दिखाने वाले हैं और साथ में उनके बायोग्राफी के बारे में भी आपको सब कुछ बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो रोजाना मिलती रहे। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं कादर खान जी के घर के ठीक सामने। ये जो आप लोग मेन गेट देख रहे हैं, ये राजकमल नाम की बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग के सबसे फर्स्ट फ्लोर पर कादर खान जी रहा करते थे और अभी भी इनके परिवार के लोग इसी घर में रहते हैं, क्योंकि कादर खान जी की जो यादें हैं इसी घर से जुड़ी हुई हैं। तो सोचिए, जिन्हें हम इतने बड़े बड़े टीवी पर्दों पर देखा करते थे, फिल्मों में देखा करते थे, उनकी रियल लाइफ, उनका रियल हाउस यही है जो कि मुंबई में है। ये मुंबई के सांता क्रूज रोड पर है, स्टेशन से मतलब आपको हम बता दें 300 मीटर की दूरी पे ही इनका ये घर है और इनके घर की प्राइस लगभग 5 करोड़ रुपए है। दोस्तों, अभी हम आपको कादर खान जी के बारे में ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसे जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, और आसपास का क्या माहौल है, नज़ारा है, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ अच्छे से दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं, यही वो बिल्डिंग है जिसमें हमारे कादर खान जी कभी रहा करते थे और अभी भी उनके परिवार के लोग इसी घर में रहते हैं। इसमें भी दो गेट है, एक पीछे वाला गेट इधर है, सामने वाला गेट तो मैंने आपको दिखाया है, जो ये पर्दे टंगे हुए हैं ना, ये और इसके नीचे वाला पूरा फ्लोर जो है वो कादर खान जी का था। दोस्तों, 90 के दशक में कोई बूढ़ा हो, कोई बच्चा हो या कोई भी हो, ऐसा कोई नहीं हो सकता है जो कादर खान जी से परिचित ना हो, उनको कोई जानता ना हो। कादर खान जी का जन्म 22 अक्टूबर 1937 को काबुल अफगानिस्तान में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल रहमान था, जो एक सैन्य अधिकारी थे, और इनकी माता का नाम इकबाल बेगम अजरा खान था। कादर खान के तीन भाई भी थे जिनका नाम शामसूर रहमान, फजल रहमान, हबीब उर रहमान था। कादर खान जी ने मुंबई के म्यूनिसिपल स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद वो इस्लाम यूसुफ कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन पूरी की है। कादर खान जी को कनाडा का भी नागरिकता प्राप्त था। जहाँ पे कादर खान जी का ये घर है, यहाँ पर भी काफ़ी पॉश इलाका ये माना जाता है, काफ़ी सुख शांति वाला इलाका है। आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी और सुंदर सुंदर यहाँ पर बिल्डिंगें हैं, यहाँ पर फ्लैट्स हैं। कादर खान जी और उनकी पत्नी के दो बेटे हैं, सरफराज खान और शहनवाज खान, और कुछ लोगों का कहना है कि इनके तीन बेटे हैं, उनका नाम है क्यूडस खान, लेकिन इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। देखिए, इनके इस बिल्डिंग का नाम है राजकमल। दोस्तों, कादर खान एक भारतीय कनाडाई अभिनेता, पटकथा लेखक, हास्य अभिनेता और निर्देशक भी थे जो बॉलीवुड फिल्मों में काम करते थे। कादर खान जी 300 से ज़्यादा फिल्मों में नज़र आ चुके हैं। राजेश खन्ना की अभिनीत 1973 की फिल्म दाग में इनकी पहली फिल्म थी, जिसमें इन्होंने अभियोजन पक्ष के वकील के रूप में काम किया था। कादर खान जी के जीवन ने एक नया मोड़ लिया जब इन्होंने कॉलेज में एक वार्षिक समारोह में एक नाटक किया जिसमें दिलीप कुमार मुख्य अतिथि थे। उनके प्रदर्शन से दिलीप कुमार जी इतने प्रभावित हुए
कि उन्होंने उन्हें अपने पास बुलाया और अपनी दो फिल्में सगीना 1974 और बैराग 1976 में तुरंत साइन कर लिया। इतना ही नहीं, इसके पहले कादर खान ने 1970 से लेकर 1975 तक मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी था। इन्होंने MHA साबू सिद्दकी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बाइकुला के सिविल इंजीनियर विभाग में बतौर प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया था। 1981 में कादर खान ने नसीब फिल्म में काम किया था, जिससे उनके साथ अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, ऋषि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा थे। इसके बाद कादर खान ने अपना बॉलीवुड में लोहा मनवाते हुए आगे बढ़ते चले गए। कादर खान जी को कई सारे पुरस्कार और सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। 1982 में फिल्म मेरी आवाज़ सुनो 1981 के लिए सर्वश्रेष्ठ संवाद के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। फिल्म बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड मिला है और फिल्म अंगार 1992 के लिए सर्वश्रेष्ठ संवाद के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स मिला है और 2013 में साहित्य श्रीमणि पुरस्कार और 2019 में पद्म श्री पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। कादर खान जी का टोटल नेटवर्थ करीब 90 करोड़ रुपए था। कादर खान जी काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और इनका इलाज कनाडा के टोरंटो हॉस्पिटल में चल रहा था। इलाज के दौरान 31 दिसंबर 2018 को इनकी मृत्यु हो गई और इनका अंतिम संस्कार कनाडा के मिसिसुआगुआ स्थित मेडोवले कब्रिस्तान में हुआ है। कादर खान जी की जो यादें हैं वो अभी भी इसी घर से जुड़ी हुई हैं। अभी भी इनके परिवार के लोग इसी घर में रहते हैं। और आपको बता दें कि कादर खान जी की फिल्में और उनके डायलॉग, उनके हाथ से डायलॉग अभी भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं और लोग उनकी फिल्में देखना पसंद करते हैं। तो इनकी जो यादें थी, इस घर से काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। तो देख सकते हैं कि हमारे जो कादर खान जी थे, जब वो मुंबई में रहा करते थे और फिल्मों में अभिनय किया करते थे, तो इसी घर में रहते थे, इसी बिल्डिंग में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उनके घर का पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ और उनके बायोग्राफी के बारे में भी आपको मैंने सब कुछ अच्छे से बता दिया है। तो काफ़ी यहाँ पर आकर एक अजीब सी फीलिंग आ रही है कि जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, कभी यहाँ पर हमारे महान हास्य अभिनेता कादर खान जी रहा करते थे। तो दोस्तों, यही वो बिल्डिंग है, इसी के फर्स्ट फ्लोर पे हमारे कादर खान जी रहा करते थे। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।